नमस्कार, इंडियन वेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी वाली चने की दाल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन जाती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये दाल बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी 1 कप चने की दाल, साथ में 500 ग्राम कटी हुई लौकी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 से 4 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच राई या सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़ी प्याज कटी हुई, 10-12 कलियां लहसुन, 2 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये तीनों चीज़ें पीस लेंगे हम। अदरक और लहसुन हरी मिर्च पीस लेंगे। चने की दाल को अब हम धो लेंगे। इसे 2-3 पानी अच्छी तरह धो लेंगे। एक पानी और धुल लेंगे। अब हम दाल को भिगो देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। इससे हमारी दाल जल्दी गलेगी। जब तक दाल भीग रही है, हम गैस पर कुकर चढ़ा लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गरम हो जाने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगे तब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे और 1 छोटा चम्मच सरसों डाल देंगे या राई डाल देंगे। हींग डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच, साथ ही कटी हुई प्याज इसमें हम डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे, हल्का ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन और मिर्चे का पेस्ट बनाकर रखा है उसे डालेंगे। इसमें हम अलग से लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस पेस्ट को भी अच्छी तरह भून लेंगे, इसके कच्चेपन का स्मेल निकल जाए। जब यह अच्छी तरह भून जाएगा तब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, टमाटर गल जाए जिससे। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब सभी मसालों को मिला लेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जलने ना पाए। एक बटा चार कप पानी डाला है मैंने। टमाटर गलने तक अच्छी तरह भूनकर पकाएंगे। अब इसमें हम किचन किंग मसाला डाल देंगे और सभी मसालों को टमाटर अच्छी तरह भून जाने तक पकाएंगे। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं, मसाले भी तेल छोड़ने लगे हैं, ये अच्छी तरह भुन गए हैं। अब हम इसमें कटी हुई लौकी डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह चलाकर मिला लेंगे। थोड़ी देर तक इसे चलाएंगे और फिर ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि हमारी लौकी थोड़ी सी गल जाए। 2 मिनट हो गए हैं ढक्कन हटाकर। लौकी एक बार फिर चला लेंगे। अब इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। पानी डालेंगे। अब मैंने 5 कटोरी पानी डाला है इसमें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार दाल गाढ़ी या पतली जैसी पसंद करें डाल सकते हैं।
वैसे ये दाल मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। सभी चीज़ें मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस की आंच को तेज ही रखेंगे। दो विसल आने पर हम आंच को धीमा कर देंगे। दो विसल आ चुकी हैं, अब हम आंच को धीमा कर देंगे और 3 से 4 विसल लग जाने पर बंद कर देंगे। देखिए दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है। आप खोल कर कुकर देखें, अगर आपको दाल में कुछ कसर लगती है तो 2 सीटी और लगा लें। अब हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। दाल को हम अलग से भी फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए 7-8 कलियाँ लहसुन कटी हुई, करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें देसी घी डाल देंगे। घी गरम हो जाने पर जीरा डालेंगे। जीरा अच्छी तरह चटकने लगेगा तब हम इसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, करी पत्ता भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए, हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये सिर्फ कलर लाने के लिए है, आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम दाल इसमें पलट देंगे, अच्छी तरह चलाकर देख लेंगे। अगर दाल गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, करीब आधा कप और मिला लेंगे। एक उबाल आने पर बंद कर देंगे गैस को। दाल में उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी लौकी वाली चने की दाल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जो ऐसे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते हैं, वो इस दाल में लौकी ज़रूर खाएंगे। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।